खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जखनिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हथियाराम दलित प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ दबंगों द्वारा राजपुर बस्ती को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत हथियाराम में मुख्यमंत्री आवास को लेकर बड़ी धांधली हुई है, जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा पक्षपात करते हुए जो लोग उसको मत नहीं दिए थे, उस पात्र व्यक्तियों को भी आवास खंड विकास अधिकारी से मिलकर निरस्त कराने का काम किया गया। जांच के दौरान ब्लॉक से टीम आई, उसको बरगलाने का काम भी दबंगों द्वारा किया गया। राजभरों द्वारा बयान देने पर बुरी तरीके से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया। जब पीड़ितों ने थाना भुकुरा में तहरीर देने की कोशिश की तो दबंगों द्वारा प्रधान को लेकर तहरीर देने से रोक दिया गया और प्रधान होने का फायदा उठाते हुए पीड़ितों पर गैर संवैधानिक तरीके से हरिजन एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराकर गांव का माहौल बिगाड़ दिया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है, किसी भी समय हिंसात्मक घटना हो सकती है। गाजीपुर जखनिया से उग्रसेन सिंह के साथ कमलेश यादव की रिपोर्ट। जखनिया तहसील के प्रांगण में हूँ। यह एक ग्राम सभा हथियाराम के कुछ पीड़ित आए हुए हैं और ये अपनी पीड़ा आप बीती बताएंगे। भुरकुड़ा कोतवाली के विरुद्ध ये लोग कुछ बात बताएंगे। इनके खिलाफ बिना कसूर का यह अर्जन समण का मुकदमा कर दिया गया, जिसको ये आप बीती बताएंगे। आप बताइए, अपना परिचय बताइए। हम राम स्वरूप राजभर हैं, पिता का नाम चंद्रचंद राजभर है और ग्राम हथियाराम के रहने वाला हूं। और हमारा निवेदन यही है कि सर, हमारे ग्राम सभा वासियों का 36 आवास काट दिया गया, यह जानकारी हम लोगों को मिली तो हम सेक्रेटरी साहब से पूछे कि यह आवास बिना जांच किए कैसे काट दिया गया। सबको पक्का दिखाया जा रहा है और पक्का नहीं है तो क्या आप पक्का बना के देंगे? उसमें सेक्रेटरी ने कहा यह प्रधान का प्रस्ताव है, जो सही है वो लिख के दिए, हम कर दिए। हम बोले कि उनका घर देखे हैं, बोले कि गाड़ी से घूम घूम कर गए। हम बोले गाड़ी से आप किसी का घर नहीं देख पाएंगे महोदय जी, यह जानकारी हम BDO और SDM जी को दिए, जिसमें SDM साहब जांच टीम भेजे। मंगलवार 12 तारीख को जांच टीम गई, जिस पर प्रधान को खबर लगा। प्रधान ने 3 यादवों को लेकर हमारे घर पर पहुँचा और बोला, ये भोसड़ी वाले माधर चोद, तुम लोगों के पास कितनी चूल्हे हैं तुम दिखाओ। हमने उनको रोकने की कोशिश की, 3 यादवों ने हमारे ऊपर हमला कर दिए, जिसमें यह तहदीर हम भुरकुड़ा थाने पर दिए और वह धमकी दिए कि चलो हम तुम्हें अर्जन बैनाम सवरण लगवा देते हैं। और हम कहे चलिए, हमारी सच्चाई हम लड़ेंगे जहाँ तक है। और हम यह कहे कि सर, जो इनको अगर हम प्रधान को मारें या गाली दिए हैं, हम यह भी कोतवाली में रिक्वेस्ट किए कि चलिए, भुरकुड़ा मठ को हम लोग बहुत मानते हैं, वहाँ पे खटनई उठा ले अगर प्रधान जी, अगर हम उसको, हम लोगों ने किसी ने हाथ छोड़ा है, हमारे घर पे वारदात किए 3 यादों को लेकर। प्रधान दूर खड़े देख रहे थे तमाशा और हमको मारे पीटे। और हमारा जो मेडिकल कहा हम कोतवाल साहब से कि हमारा मेडिकल कर करके रिपोर्ट लिया जाए, तो हमारा मेडिकल नहीं हुआ, जिस पर FIR दर्ज हुआ, उनके तरफ से अर्जन बैनाम SC ST लगा दिया गया, हमारे तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ। हमको पता भी नहीं चला कि कब मुकदमा दर्ज हुआ हमारे पास, जो हम देखे 4-5 दिन नहीं हुआ, तो हम जाके सरकारी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराए, जिसमें हमारे पेट में सूजन की मात्रा दिखाई गई और हमारे जबड़े से उस टाइम खून निकला था, जिसमें हमारे जबड़े में इन्फेक्शन दिखाया गया। महोदय यादव जी से हमने डॉक्टर से अब जो पात्र हैं उनको चढ़ाया जाए, जो अपात्र हैं उनका काट दिया जाए। हम यही रिक्वेस्ट इस गवर्नमेंट और इस सभा से और सरकार से करते हैं। अच्छा, ऐसा ये बताइए कि आपको क्या अंदेशा है का कि पंचायत चुनाव को लेकर के और यही प्रतिक्रिया की जा रही है, विरोधाभास से आपका आवास काट दिया गया है? जी, ये हमारे जो पंचायत विजेंद्र राम हुए हैं, इनको लड़ाने वाले जो हैं प्रधान पंचायत प्रधानी, वो चला रहे हैं। यह एक टोपी है और ये रंजिश काढ़ी जा रही है सभी पे, क्योंकि गरीब किसी का दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन वोट की रंजिश में वो लोग बन गए हैं बेचारे। हम यही निवेदन करते हैं कि जो भी प्रधान होता है उसको ये चाहिए कि हमारा ग्राम सभा जो है वो पूर्ण रूप से एक हमारा परिवार है, परिवार बना के चलना चाहिए। मगर यह धमकियां भी दी जा रही है कि आज इसको फंसा दिया जाए, इसके बाद 5 साल कोई हमारे ऊपर कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया करने का हिम्मत न किया जाए। जिस पे महोदय हम ये अपील लेके जगह जगह दौड़ रहे हैं और अपनी दरखास्त भी दिए हैं सब जगह, जिसमें हम SDM साहब। अच्छा, आप सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हो हमारे गांव को न्याय मिलना चाहिए। मतलब आपके जानने से यह प्रतीत हो रहा है
कि आपके गांव में अनदेखी की जा रही है, क्या सही है? ये सर सही बात है, जो जो चुनावी रंजिश को लेकर के हमारे जितने कार्ड धारक हैं या आवास धारक हैं उनके साथ अनदेखी हो रही है। ये सारे लोग आपके साथ आए हुए हैं जितने दिखाई दे रहे हैं लोग? ये बताइए और कोई बताएगा? हाँ बताइए सर। हम लोग अप्लीकेशन दिए थे कि जो जांच किया आप पहले पर्चे बताइए। मेरा नाम राजेश राम सना केदार राम ग्राम हथिया राम भुड़कुरा जिला गाजीपुर का हम मूल निवासी हैं। हम लोग कॉलोनी कार्ड दी गई थी पात्र से। हम लोग SDM साहब के BDO साहब के पास गए, हम लोग वहाँ से लिखवा लाए कि हम लोग की जांच की जाए, जो लोग पात्र हैं उनकी कॉलोनी दे दिया जाए, जो पात्र हैं उनकी कॉलोनी काट दिया जाए। तो हम लोग दरख्वास्त की गाजीपुर से टीम आई जांच करने के लिए। जांच के दौरान जब वहाँ हम लोग गए मौके पर, हम लोग को बुलाया गया कि जो जो अप्लीकेशन दिए हैं वो कितना वो रहे और प्रधान को आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग बोले हाँ प्रधान हमारे गाँव का है, वो तो रहेगा ही, और लोग न रहे भले हमारे गाँव का प्रधान है तो हमारा प्रधान तो रहेगा ही। तो इस पर लोग जा रहे थे जांच करने, तो इसमें 3-4 दबंग किस्म के लोग हैं, ये लोग घुस घर में घुसे जा रहे हैं। तो इसका भाई जो है रामस्वरूप राजभर सना उसने रोकने की कोशिश की, तो उसको धक्का दिए। धक्का देने के बाद ये लोग कालर पकड़ लिए, कालर पकड़े ये लोग लफड़ा करने लगे। लफड़ा कौन कालर पकड़ा? राजभर की राजभर का संदीप यादव वगैरह उमाकांत यादव उसका नाम है, उस लोग संदीप कहते हैं। और लोग तीन लोग और बोल जो अच्छा, इसका मतलब आपके बात से ये महसूस होता है राजेश राम जी कि यह जो SC ST का मुकदमा किया गया है वो फर्जी है? वो बिल्कुल फर्जी 100% फर्जी है। अगर हमारे द्वार उसके द्वार पर चढ़कर मारे ऊपर से ST कैसे लगेगी? अच्छा ये आप दावे के साथ कह रहे हैं कि राजभर के दरवाजे पर यादव जी मारे हैं? वहाँ पे मैं मौजूद था, मेरा लिस्ट में मेरा नाम था, हम एप्लीकेशन दिलाए थे, आप मौजूद थे वहाँ? मौजूद थे पूरे। उस दलित जो प्रधान है प्रधान से कोई भी बात? प्रधान खुद दूसरे साइड खड़ा था, वो भी मेरा भाई है। तो ये बताइए प्रधान से विवाद हुआ है कि? प्रधान से कोई हाथापाई ना तो कोई कुछ नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रधान से कोई भी बात नहीं हुआ है, यह राजेश राम जी द्वारा बयान दिया गया है कि प्रधान से कोई भी बात नहीं हुआ है। ये आपसी रंजिश में SC ST में फंसाने के लिए, इन राजभर के युवकों को फंसाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। ये आप लोग बताइए आप लोग कौन है? आप बताइए कौन है? हम निर्मला हैं, निर्मला देवी हथियाराम से माले का नेता हैं। अच्छा आप बताइए आप? हाँ सही बात है। क्या सही बात है? वह सही बात है कि प्रधान से कौन मतलब ना प्रधान गुड हाँ प्रधान का फसाउथ हूँ। अच्छा और कोई भाई इस जगन्नाथ राम ये प्रधान जी हथियाराम से राजभर परिवार के लिए इतना ऊंची बात उठा दिए हैं, गांव में सभी लोग को वंचित करके चार लोगों को SC ST का मुकदमा लगाने की कोशिश कर दिए। करने के बाद मैं वहां मौजूद था। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि SC ST का नाजायज फायदा प्रधान द्वारा उठाया जा रहा है? यही बात है ना? इस बात को तहकीकात कर रहे हैं? हाँ तहकीकात कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों को देख करके यह इस मुकदमे के तह पर मैं उच्च अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि इस मुकदमे के तह पर जाकर इस मुकदमा का परिणाम और निर्दोष इन चार राजभर युवकों को बरी करने का काम करें।